आज आप अपनी लाडली को नहीं लेकर आए? वृद्धा, क्या हम अमरीन के अलावा किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर सकते? मैंने तो आप मुझे बताएं, क्या हम इस अमरीन के अलावा किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? रात को समझाया था तुम्हें, समझाया था कि उसको मेरी लाडली चाहिए थी, ये सब मत कहा करो। सही है, नहीं बोलूंगी। तो फिर आप भी मुझे अपने मुंह से बोल दें कि वो आपकी चहेती और आपकी लाडली नहीं है। देखो, वो एक बहुत अच्छी लड़की है एंड दैट्स इट। तुम्हारे किए गए रवैये से ना बहुत तकलीफ पहुंची है उसे, पूरी रात रोती रही है वो। राड, उनसे ज्यादा तकलीफ तो ऐसा लग रहा है कि आपको पहुंची है। और मेरा असम्पशन ना बिल्कुल ठीक था, सही तरीके से समझा के भेजा उन्होंने आपको। उन्होंने नहीं भेजा है मुझे, मैंने खुद तुम्हारा रवैया देखा है उनके साथ। सही, आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरा रवैया ठीक नहीं था। लेकिन आप उनसे भी तो पूछते जरा, वो क्यों रो रही थी? उनसे पूछता तो तुम्हें क्यों कुछ कहता, वो तो इतनी अच्छी है रिदा कि वो कुछ कहती ही नहीं है। वो बहुत अच्छी है, वो इतनी अच्छी है कि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहती है ना। तो उनके बिना कहे आपको कैसे पता चल गया कि मेरा रवैया ठीक नहीं है उनके साथ? इतनी मासूम बनती है ना वो आपकी नजरों में, काश काश आप उनका वो रूप देख पाते जो मैं देखती हूँ, तब आपको पता चलता। वो ऐसी नहीं है रिदा। वो ऐसी लड़की नहीं है तो फिर किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन है ऐसा? देखो रिदा, मेरे साथ बहस मत करो, मैं पहले ही बहुत थक गया। अगर आप इतना थक गए तो आप आए क्यों? साजिद को ही भेजते थे मुझे लेने के लिए। वैसे भी बहुत आदत हो गई है आपकी उनको फेवर्स देने की, तो जितने फेवर्स आप देते रहेंगे उनको, मुझे उनसे उतनी ही नफरत होती रहेगी। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई नौकरी? मिल जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जिंदगी की तरफ लौट आए हो। जिंदगी की तरफ लौट आना और जिंदा होना दो अलग अलग बातें। मैं सिर्फ जिंदा हूं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ रूम। भूख नहीं है मुझे। माँ को तो इसने दुश्मनी समझ ली है, अजीब इंसान है। माँ इसके पीछे मरे जा रही है और इसकी नाक दिन ब दिन ऊंची होती जा रही है। इतना ही काफी है, शुक्र करे कि वह जॉब तक तो आया। मेरे सर कोई एहसान नहीं करेगा, अपनी जिंदगी संवारेगा। जिंदगी संवारने से तो रहा, बस दुआ करें कि जिंदगी बसर करना सीख जाए। तुम हमेशा माँ की गर्दन पे छुरी चलाया करो, अल्लाह पूछे तुम दोनों बहन भाइयों को।